नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लैपटॉप में ये वेब कैमरा दिया होता है ना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमको कभी ऑनलाइन क्लास करना है या वीडियो कॉल पे किसी से बात करना है, इसके माध्यम से काम करते हैं। अगर इनके कैमरा ख़राब हो जाता है, कैमरा काम नहीं करता, खोलने में कुछ एरर आ रहा है, अगर आपके भी लैपटॉप के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको गाइड करता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, हमारे चैनल पहली बार आए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, ये हमारा HP कंपनी का लैपटॉप है और इसके अंदर विंडो 11 लोडेड है। अब मुझे कैमरा यूज़ करना, मतलब मुझे फोटो अपना क्लिक करना है कि मैं सामने बैठ जाऊं और इस कैमरे से फोटो क्लिक कर लूं, तो उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? विंडो 11 में देखिए यहाँ सर्च लिख क्या रहा है, ठीक है, ये सर्च लिखा हुआ है सर्च, और सर्च पर मैं जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CAMERA, कैमरा लिखा मैंने और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद में ये प्रॉब्लम लिख के आ गया। भाई ये क्या प्रॉब्लम है? ये लिख के आ रहा है, वी कांट फाइंड योर कैमरा, चेक टू मेक श्योर इट इज़ कनेक्टेड एंड इंस्टॉल प्रॉपरली, दैट इज़ नॉट बीइंग ब्लॉक्ड बाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड दे कैमरा ड्राइवर आर अप टू डेट इफ़ यू देयर फिजिकल स्विच और बटन टू कैमरा ऑन योर PC मेक्स इट टर्न ऑन। देखिए ये बता ये रहा है, और उसके अलावा एक प्रॉब्लम लिख के आ रहा है, इफ़ यू नीड हियर एरर कोड, ये बता रहा है, बोल रहा है कि आपके कैमरा में अगर कोई स्विच दिया हुआ है उसको ऑन ऑफ कर लीजिए, या इसका ड्राइवर चेक कर लीजिए, कैमरे का ड्राइवर इंस्टॉल है, या कोई एंटीवायरस उसको ब्लॉक नहीं कर रखा, ये चीज़ें लिख के आ रही हैं। देखिए अगर आप एकदम नए हैं तो ये प्रॉब्लम लिख के आता है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं दोस्तों तो क्या करना है, पहले प्रॉब्लम है ना, इसको आप यहाँ से कोने से बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके अंदर जो एंटीवायरस लोड है, क्या एंटीवायरस कैमरे को ब्लॉक कर रहा है क्या, तो उसको चेक करने के लिए देखिए मेरे इस लैपटॉप में ना एंटीवायरस लोडेड है, NPAV लोडेड है। तो देखिए यहाँ उसका साइन बना हुआ है, आप में कोई भी एंटीवायरस लोड होगा चेक कर लीजिएगा, NPAV है, जो भी एंटीवायरस को डिसेबल कर ले। इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये है, और उसको राइट क्लिक करके मैं इस एंटीवायरस को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये इसको मैंने एग्जिट कर दिया। अब पूछा डू यू वांट टू, मतलब यस कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि कैमरा मेरा काम कर रहा है, सर्च पे जाते हैं, यहाँ लिखते हैं CAMERA, कैमरा लिखा, फिर कैमरा वाला ऑप्शन आ गया, और हम फिर क्लिक करते हैं कैमरे के ऊपर। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब एंटीवायरस से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। फिर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, तो एंटीवायरस डिसेबल हो गया, उसको अनेबल रिस्टार्ट करेंगे तो अनेबल हो जाएगा। एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी पे, देखिए सिक्योरिटी क्लिक किया, फायरवॉल एंड नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, ये इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद में ये देखिए दिया था ना, फायरवॉल ऑन दिख रहा है ये, ठीक है, ये ऑन दिख रहा है, देखिए ये डोमेन वाला ऑन है, उसके बाद प्राइवेट वाला भी टर्न ऑन करने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे और इसको जो है इस पर क्लिक करेंगे टर्न ऑन के ऊपर, और इसको हम यस कर देंगे, इसको हम जो है देखिए ये फायरवॉल टर्न ऑन हो गया, ये फायरवॉल जो है टर्न ऑन है, इसको हम चेक कर लेते हैं, फायरवॉल टर्न कर लेते हैं, देखिए हम सबको टर्न ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो अब इसको जो है दोबारा बंद कर चेक कर लेते हैं, ये सेटिंग है, और हम लिखते हैं यहाँ पर जाके CAMERA, कैमरा लिखा, अब मुझे लगता है चल जाना चाहिए, लेकिन जो है अभी भी नहीं चला भाई, अभी भी नहीं चला हुआ है। अब देखिए दो चीज़ इसमें होता है, कैमरा चलाने में दो चीज़ होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है हार्डवेयर होता है। अगर इनकेस ये कैमरा ख़राब हो गया है तब तो इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है तो इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं। तो हमने चेक कर लिया है कि हाँ भैया सॉफ्टवेयर से मतलब एंटीवायरस दिक्कत नहीं कर रहा है। अब इसका ड्राइवर चेक करते हैं, जो ड्राइवर लोडेड है ना, क्या ड्राइवर में प्रॉब्लम है, चेक करने कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विंडो 11 है ये, तो ऑटोमेटिक जो है हर चीज़ का ड्राइवर लोड कर लेता है मैक्सिमम बार, तो कैमरे का ड्राइवर लोड कर लिया होगा, तो चेक करने कैसे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम आते हैं, देखिए दिस PC दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप पे दिखेगा, दिस PC दिखेगा, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ जाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ जाने के लिए हम चले गए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखेंगे यहाँ नीचे आ जाते हैं, हम इससे नीचे आ जाते हैं, ये एरो बटन से इससे हम नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद दिखेगा आपको जो है डिवाइस मैनेजर, दिख रहा है ना डिवाइस मैनेजर, ये देखिए डिवाइस मैनेजर है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद में ये देखिए भाई चोर पकड़ा गया, देखिए दिख रहा ना, ये लिखा हुआ है सर्वर लैपटॉप का नाम है, ये ऑडियो ये, और देखिए यहाँ लिखा हुआ कैमरा, दिख रहा ना कैमरा दिखा हुआ है, ये कैमरा इस पर क्लिक करिए, और उसके नीचे बता रहा है HP वाइड विजन HD कैमरा, दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करिए,
और देखिए ये एक टिक मार बन रहा है, तो जाने अनजाने में ये कैमरा का ड्राइवर जो है ना डिसेबल हो चुका है, ये इंडिकेटर है कि डिसेबल हो चुका है। तो कैसे इनेबल करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद में यहाँ अगर इनेबल होता तो यहाँ डिसेबल लिख के आता है, इसका मतलब डिसेबल है तो इनेबल लिख के आ रहा है, इसको हम इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे इनेबल करते हैं इसको और देखिए ये हमारा जो है ये हट गया, ये जो टिक आ रहा हट गया यहाँ से, इसको हम कोने से बंद कर लेते हैं यहाँ से। और अब चेक करते हैं, मुझे लगता है चोर पकड़ा गया है, और ये कैमरा यहाँ लिखते हैं, अब फिर लिखते हैं CAMERA। चल जा भाई चल जा, चल तो मुझे लगता है कि चल जाना चाहिए। तो फिर कैमरा क्लिक करते हैं और देखिए अभी जो है कैमरा मतलब चल गया, हाय चल गया कैमरा ना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कैमरे में प्रॉब्लम था और यहाँ से जाकर हमने इसका ड्राइवर ठीक कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए कैमरा काम करना स्टार्ट हो गया है। ये तो मुझे लगता है कि आपके लैपटॉप में अगर कैमरा नहीं काम कर रहा है, विंडो 11 लोडेड है, विंडो 10 लोडेड है, तो आप जा करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिवाइस मैनेजर जाएंगे, डिवाइस मैनेजर जा करके उसको एनेबल और डिसेबल को चेक कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपके लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा कैमरा का दोस्तों। देखिए वीडियो बनाकर चाहता हूँ ना, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है लैपटॉप रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, आपको सब बताता रहूँ और आप भी लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर करने के क्षेत्र में अग्रसर हो दोस्तों। वीडियो बनाकर बता दिया है, वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं लैपटॉप के छोटे छोटे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, वीडियो के माध्यम से वो भी सीखें। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।